और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहारी भारी नहीं होती, सीना नहीं जलता और मगज बकरे का होता है। नहारी पर नहारी ट्राई करनी है और यहाँ पे देखते हैं किस तरह की नहारी मिलती है। ये नहारी मुर्गा नहारी बहुत ही मशहूर नहारी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम आज ट्राई करते हैं, आपको फूड रिव्यू भी देते हैं। अभी ये फिलिंग हो रही है, फिलिंग हम आपको दिखा देते हैं कि फिलिंग कैसे हो रही है। लेके माशाल्लाह निहारी खाने आए अभी यहाँ पे। निहारी कैसी है यहाँ पे मुल्ला निहारी? जी सलाम अलैकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छी निहारी है मुल्ला निहारी। हम तो हमेशा यही खाते हैं, हमारी रिहाइश भी यही पीछे रिहाइश है हम लोगों की। और माशाल्लाह VIP टेस्ट है, वही टेस्ट है जैसा शुरू से था, जबरदस्त। कितने साल से आप खाते आ रहे हैं यहाँ? मेरे को होगा जी 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से आप भी मुल्ला निहारी खाए थे और टेस्ट जो है टेस्ट उसका जो है भाई वही जबरदस्त जो पुराना टेस्ट था। माशाल्लाह ऊपर भी जगह बनी हुई है इनकी, फैमिली के साथ बंदे आना चाहें जा वैसे दोस्तों के साथ हैं, ऊपर जगह बनी हुई है, खा सकते हैं आराम से बैठ के VIP टेस्ट है इनका। अच्छा मुझे बताएं कि मुल्ला निहारी बाकी निहारी से अलग कैसे है और मुल्ला निहारी कितनी पुरानी है? अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन 40-45 साल हो गए। 45 साल हो मुल्ला निहारी। किस तरह की कौन कौन सी निहारी आप यहाँ पे? हमारे पास सब नहारी की वैरायटी होती है, नली नहारी, मगज नहारी, स्पेशल नहारी, फ्राई नहारी, नहारी की तमाम वैरायटी है। और मगज बकरे का होता है हमारे यहाँ, बाद जगहों पे बड़े का चलता है, हमारे यहाँ बकरे का होता है। ये बहुत अच्छी बात होगी, ये जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहारी भारी नहीं होती, सीना नहीं जलता। आपकी ब्रांच कहाँ पर है? कि हमारी ये एक ही ब्रांच है, बाकी भाइयों की ब्रांच है। भाई मैं तो ये यहाँ से बहुत अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे जो है ना निहारी जो मिलती है मगज़ की, वो होता है बकरी का होता है, मटन का होता है मगज़, और वो अच्छा ज़बरदस्त होता है। वैसे बीफ का जो है ना अवॉइड करना चाहिए और जो मटन का मगज़ है ना वो ज़रूर ट्राई करें। और मटन के मगज़ के लिए आप यहाँ पे आएंगे, मगज़ निहारी खाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे मुल्ला निहारी। तो यहाँ पे ये है कि जो ना सिंगल निहारी 2 बंदे खाएंगे और डबल निहारी 4 बंदे खाएंगे। तो अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं सिंगल निहारी और वो भी मगज़ निहारी ट्राई करते हैं। मगज़ निहारी आप हमें देंगे और मटन का है, बकरे का मगज़ है, ठीक है। ये बन रही है हमारी सिंगल मगज़ निहारी। ओए अभी से जो खुशबू आ रही है ना भाई, क्या बात है। ये मगज़ आ गया, तो मगज़ अभी जो है ना बिल्कुल फ्रेश है और ये मगज़ आ गया हमारे निहारी के साथ। ओए होए भाई ये आ गई कड़ी हो रही है निहारी के आगे, ये आ गया मसाला। मसाले के बाद हमारी निहारी तैयार हो गई भाई। हमारी टीम और हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाके बैठेंगे तो निहारी आने वाली है। ऊपर जाके हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सेटअप रखा हुआ है। और ये देख ली, बहुत ही अच्छा सेटअप है, खुला हुआ सेटअप है, हवादार भी है। और यहाँ पे आके हम बैठेंगे। हम कहाँ बैठे भाई? हमारे भाई बताएंगे, माशाल्लाह से हमारे भाई दोनों साथ में। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपको हाथ साफ करना हो तो ये भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से, ऊपर भी जगह है। तो हम अरे आ गए जो हमने ऑर्डर करी थी, अल्लाह क्या बात है जबरदस्त। भाई तो हम यहाँ पे निहारी ट्राई कर रहे हैं और अभी देखते हैं पहला आने वाला है हमारा और हम ट्राई करते हैं निहारी, देखते हैं कि कैसी है। हमारे भाई ने, प्यारे भाई ने जो है ना बहुत ही अच्छा सेटअप कर दिया है और इसमें सारा मसाला वगैरह नींबू वगैरह डाल दिया है, वो बहुत अच्छा कर दिया है, मुझे ऐसे ही पसंद है। जबरदस्त
उसका जो मसाले का गेम है ना, जो है ऑयल भी डला हुआ है वो भी टेस्ट दे रहे हैं, और मसाले का गेम भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। बाकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें डला हुआ है बकरे का मगज, तो वो फायदेमंद होता है। बाकी जो बीफ का मगज होता है वो मेरे ख्याल से नुकसानदेह होता है, तो ये अच्छी बात है। अगर बकरे की मगज वाली निहारी आपको ट्राई करनी है ना, तो यहाँ पे आ जाए मुल्ला निहारी खाने। अच्छा, तो अब हम खा रहे हैं एक ने वाला बीफ बोटी के साथ। बीफ बोटी देखते हैं, बीफ बोटी भी सही पकी हुई है, सही से गली हुई है, और बीफ बोटी के साथ हम ट्राई करते हैं इसका नवाला। बहुत ज़्यादा आ गई है क्वान्टिटी में, बीफ के गोश्त का, बीफ का भी बहुत सही टेस्ट आ रहा है, और उसके साथ सही पकी हुई, मतलब चबाने में ना सही आसानी हो रही है, सही पकी हुई है बूटी भी। निहारी जबरदस्त पकी है, बहुत जबरदस्त। भाई तो हमने जो निहारी खाई है ना, अभी भी चल रही है, लेकिन निहारी ऐसी है कि मसाला बैलेंस है इसमें, जितना भी मसाला डला हुआ है ना वो बैलेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी मसाला दे दो, इसकी मिर्ची दे दो, ज़्यादा मिर्च मसाला डला हो, नहीं, सारा जो मसाला है ना वो बैलेंस से अपने हिसाब से सही से डला हो। अच्छा, तो भाई ये हमारी ग्रेवी भी आ गई है, हमने ग्रेवी अभी मंगवाई, और ग्रेवी सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री है, कहीं कहीं पर भी वो चार्ज करते हैं, अलग से पैसे देते हैं। हमने निहारी खाई, एक और ग्रेवी मंगवा ली, और एक और भी ग्रेवी आ गई, मतलब इतनी अच्छी खा ली तो बहुत ज़बरदस्त थी, और निहारी ने मतलब मेरा दिल जीत लिया भाई, बहुत ज़बरदस्त। भाई तो हमने निहारी खा ली और निहारी बहुत ज़बरदस्त थी, निहारी ने हमारा दिल जीत लिया, लेकिन जो सेठ है ना इन्होंने भी दिल जीत लिया, मतलब बिल अभी नहीं ले रहे, पेमेंट नहीं ले रहे, तो ये इनके तरफ से स्पॉन्सर थी, तो यहाँ पे पहले सेट नहीं थे, अब सेट आ गए, तो उन्होंने बोला कि आप व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, तो आप पेमेंट नहीं दोगे। भाई क्या हाथ है, मतलब हाथ में जादू है, इनके हाथ में जादू है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त निहारी है। भाई मैं ये कहूँगा कि ये बनाते हैं निहारी, और निहारी जो हमने खाई थी ना इनको बनाने वाले ये, तो इनका वैसे जो होता है हाथ तो होता है 2.5 किलो का, लेकिन इनका 2.5 करोड़ का, जो इनका फन है।